मेरे साथ मौजूद हैं बाबाए तालीम अब्दुल मजीद अब्दानी साहब, माशाल्लाह 50 साल एजुकेशनल सर्विसेज इनकी हैं, और उसी के साथ साथ कराची भर में जितनी भी सोशल सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है, जितनी भी सोशल सेक्टर में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उनकी सरबराही में तश्कील दिए जाते हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब्दानी साहब कैसा लग रहा है यहाँ पे? माशाल्लाह हर जगह से लोग हैं और पाकिस्तान यकजा नजर आ रहा है, तो कैसा लग रहा है फेस्टिवल? मैंने जिंदगी में कई एक यौम आज़ादी दिन देखे हैं, लेकिन मरियम में वाकई अपने दिल की आवाज़ कहूँगा कि इस साल जिस अंदाज से, जिस जज्बे से यौम आज़ादी मनाया गया है, ऐसा जज्बा मैंने कभी भी पाकिस्तानी कौम में नहीं देखा। मैं वाकई पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, और ये जज्बा वाहिद इसलिए है कि इस वक्त कश्मीरी जो हैं वो परेशानी के आलम में, वो तमाम के तमाम नज़र बंद हैं, वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, और हमारे दिल इस वक्त ही हम आज़ादी के जज्बे से सरसार हैं, हमारे दिल अंदर से रो रहे हैं, और ये दिल उससे खुश होंगे जब हम 72 साल के बाद अब हमको उम्मीद के किरण नज़र आ रही है। जिस अंदाज से कौम इस वक्त बेदार हो चुकी है, इंशाल्लाह ताला हम कश्मीर फतेह करेंगे। अल्लाह हमेशा साथ देगा हमारा, इंशाल्लाह ताला ये जज्बा कायम और दायम रहेगा, और अब आइंदा जो साल में हमने मनाएंगे जो आज़ादी का दिन, इंशाल्लाह कश्मीर हमारे साथ होगा। और यहाँ पर कहने जो जिस अंदाज से मैं यहाँ पर लोगों को देख रहा हूँ, जिस जज्बे के साथ जिन लोगों ने यह एहतमाम किया, मैं वाकई अजमत सुमर साहब का या ANI ग्रुप का, मैं वाकई वो दीगर यहाँ पर जितने भी लोग जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को मौका फराहम करते हैं कि खुशियाँ मिले, यहाँ पर खुशियों का मौका आप लोगों ने फराहम किया, मैं वाकई आप लोगों को बहुत मुबारकबाद दूँगा। बहुत मुबारकबाद पेश कर रहे हैं अब्दानी साहब, और इंशाल्लाह इस तरीके का ये सिलसिला जारी रहेगा। अब्दानी साहब बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? बच्चों के लिए तो पैगाम ये होगा कि बच्चों की जगह में बच्चों को परवरिश करने वालों को पैगाम दूंगा, इसलिए कि बच्चा वही बनता है जो आप चाहते हो। तो कम से कम हम बड़े लोगों के जहन वसी होने चाहिए, और हम अपना ज़्यादातर वक्त हम अपने बच्चों पर सर्व करें। जो लोग अपने बच्चों पर वक्त सर्व करते हैं, उन्हीं के बच्चे अच्छे अंदाज से फलते फूलते हैं। तो आप ये तमाम के तमाम वालदेन की, बड़े लोगों की हमारी जिम्मेदारी है कि आइंदा नस्लों को संवारें, और जिस तरह मरियम और शहरियार माशाल्लाह जिस अंदाज से आगे बढ़े हुए हैं, उनकी तकलीफ करें, और अल्लाह ऐसे बच्चे हमको मिलते रहेंगे तो हमारे पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा, और इस तरक्की के सफर में ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज हमेशा पेश रहेगा।